हेलो सो वेलकम बैक गाइस, सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलो आज स्टेज टू हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्टेज टू में आप देख सकते हो हम क्या क्या लेने वाले हैं स्टेज टू में। तो देख सकते हो आप और ये लेते हैं। सो गाइस इससे देखते हैं आप मक्खन की तरह आपका लेवल क्रॉस हो जाएगा। चलो देखते हैं, ऑटो पे कर देते हैं। ऑटो पे देखते हैं, ये ऑटो पे कंप्लीट होता नहीं होता, आई थिंक हो जाना चाहिए, बट देखते हैं। हाँ चलो चलो, इस बार गाइस ये सी इक्वेरियन जो है आप देख सकते हो, तो इसका तो यही काम है कि इसमें शायद आई थिंक मुझे कि जितने भी स्टेज है सब में इसका यूज़ होगा। अभी तो मैं ऑटो पे छोड़ रहा हूँ, अगर कंप्लीट नहीं होता है तो मैनुअल में कंप्लीट करूँगा। और अगर आप मैनुअल में कंप्लीट करते हो ना गाइस, तो जो इसकी एबिलिटी जो आती है, अभी जैसे चाइल्ड ऑफ लाइट की एबिलिटी आएगी, तो ये सब तो नॉर्मल, जब देखो ज़्यादा ट्रूप्स मतलब ज़्यादा उसकी साइड की आर्मी ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ज़्यादा एचपी है उनके, तो यूज़ करो। जब लगे कि आपके साइड की एचपी कम है, कोई ट्रूप्स डेड मतलब आर्मी मतलब क्या कह रहा हूँ, हीरो डेड होने वाले हैं, जब आप यूज़ करना जो भी है, और उसको सेव रखना। जैसे कि अब ये है क्या नाम है इसका, पीटी डेविल जो है, जो हमारा वो हीरोज़ की एचपी बूस्ट करता है, इंक्रीज़ करता है, तो वो जब यूज़ करना जब आपका कोई हीरो डेड होने वाला हो, ठीक है गाइस। नहीं अगर ऐसा नहीं है, नहीं डेड होने वाला, तो उसको एचपी को मतलब उसके बूस्ट को बचा कर रखना, जिससे जब आपकी कोई हीरो डेड होने वाला हो, जब आप यूज़ करके उसकी एचपी, उसके साथ साथ सभी की एचपी, जैसे सबकी एचपी इंक्रीज़ करता है। अभी तो किसी की है ही नहीं एचपी कम, बट अभी ऑटो पे है, देखते हैं भाई क्रॉस होता है तो ठीक है, स्टेज थर्ड तक तो आ ही गए, नहीं होगा तो भाई हम मैनुअल में करके देखेंगे। ओके गाइस, तो जैसा कि हम देख रहे हैं अभी हो रहा है, ये सी इक्वेरियन यही है जिसने अभी अपना यूज़ किया था, और ये चाइल्ड ऑफ लाइट है, और इसे तो पता, ये बिच डॉल है, ये है पीटी डेविल, और लास्ट में ये पेड टू प्ले मतलब पेड वाला हीरो है ये। इसका नाम तो मेरे को नहीं पता गाइस, मुझे आई थिंक पार तो हो ही जाना चाहिए, हो गया पार समझ लो, अभी देखते हैं बाकी, लास्ट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि अलर्ट्स मोबाइल है। तो चलो देखते हैं जैसा कि क्या हो रहा है अभी। हाँ जीत ही गया बस अब हम, तो आपने देख ही लिया जैसा कि इसे हमने कितनी स्मूथली से जीत लिया, वो भी ऑटो पे जीत के, वाह भाई वाह। अगर मैनुअल पे होते तो शायद और आसानी से जीत जाते है नहीं। तो जैसा कि आपने देख लिया, हमने ये कंप्लीट कर लिया, और अभी एक रिडीम कोड भी आ रखा है, वो रिडीम कोड मैं आपको बता दूँ या करके दिखाऊँ, बता ही देता हूँ। चलो पहले हम स्टेज वन देखते हैं, स्टेज वन में भी कुछ इसी प्रकार से ट्राई करके देखते हैं। क्या ट्राई किया था अभी हमने, सी इक्वेरियन, ये चाइल्ड ऑफ लाइट तो ऑलरेडी है, तो अब हम क्या ले, बॉम्बर से तो नहीं जीतेंगे यार, चलो कोई नहीं ट्राई करके देखते हैं, आई थिंक नहीं जीतेंगे इससे तो। चलो देखते हैं, ऑटो पे सेट कर देते हैं इसको भी, यार बॉम्बर है, आई थिंक नहीं जीत पाएंगे हम, हमारा विच डॉल मर जाएगा या चाइल्ड ऑफ लाइट कोई एक। चलो कोई नहीं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, फ्री फंड का है, ट्राई करते रहो। अब जैसा कि देखा इसने अपने एबिलिटी यूज़ कर ली, चलो बॉम्बर तो है, बैट 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 बॉम्ब मार दिया बड़ा बड़ा। तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे, ये क्या था, बोले स्टेज टू तक एंट्री दे दी इन्होंने, तो यार मस्त है भाई, ये तो मजा आ गया कति जहर। चलो अबे भाई मुझे लगता है ना अब इसकी एबिलिटी को रोक कर ही रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखो अब कितना चाइल्ड ऑफ लाइट की एबिलिटी कितनी कम हो गई है, और अब वो एचपी इंक्रीज नहीं कर सकता, पीटी डेविल ही नाम है ना, जो भी नाम हो, स्टॉप करके रख लेता हूँ, रुक जाओ। चलो यार ऑटो प्ले पे चल रहा तो ऑटो ही रहने दो, फिर कहोगे यार तुमने स्टॉप कर दिया, ऑटो तो कहा है फिर ऑटो की बात का। चलो देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया तो आई थिंक स्टेज थर्ड तो गया ही गया, इसमें नहीं जीत पाएंगे आई थिंक, बट कोई नहीं, देखने में क्या जा रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताओ जीतेंगे नहीं जीतेंगे, भाई यहाँ तक तो पहुँच गए,
ले तबाही मचा दी। अरे भाई, अरे चाइल्ड ऑफ लाइट गया, चाइल्ड ऑफ लाइट गया, अरे गया, अरे बच गया, अरे बच गया, अरे बस बस बस। हाँ भाई, अब मुझे लग रहा है कि पार हो गया भाई, हो गया। तो देख सकते हो ये भी आपका ऑटो में पा, अभी हुआ नहीं हुआ अभी। चलो फिर भी एक बार बोलने से पहले देख लेते, कंफर्म कर ले यार हुआ नहीं हुआ। चलो भाई हो गया, अब इसने पीटी डेविल ने सबकी एचपी इंक्रीज कर दी, इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। सो गाइस आप देख सकते हो ये भी आपका ऑटो में हो गया। एक का कमेंट आया था ना कि स्टेज वन कंप्लीट नहीं हो रहा भाई उससे मुझे, तो मैंने इसीलिए ये भी डाल दिया है। तो भाई स्टेज वन जिसका कंप्लीट नहीं हुआ था भाई, ये वीडियो देख लेना। ओके, तो ये भी ऑटो में कंप्लीट हुआ है। सो चलो अब हम आपको रिडीम कोड भी दिखा देते हैं। रिडीम कोड के लिए सोच रहा हूँ पर्सनली अलग से वीडियो बना दूँ क्या, नहीं रिडीम कोड के लिए बना दूँ, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा अटैक के ऊपर, जो रह गया तो थोड़ा वो कवर कर लेना है ना, मुझे कवर करना है वो भी, तो रिडीम कोड के लिए चलो चलते हैं। यार स्पेलिंग याद है क्या मुझे, कहाँ था रे, कहाँ था रिडीम कोड वाला, ये रहा, मैं भी भूल जाता हूँ। सो हमने क्लिक किया जस्ट, अब यहाँ डालना है हमें 2022। अभी पता नहीं यार स्पेलिंग क्या है, ऐसी कुछ है देखते हैं। ओ ले यही था, मुझे स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ी लग रही थी, बट इस पर यार इसमें कुछ खास नहीं है। 50,000 गोल्ड है बस यार, कुछ खास नहीं है। चलो कोई नहीं, विंटर 2022 विंटर ओलंपिक्स है। ठीक है गाइस, तो चलो हम ट्राई मारते हैं जल्दी से जल्दी। यही है कुछ बेकार बद्दी चीज़ है, मज़ा नहीं आया कुछ भी। रीलोकेटर मेरे पास इतने पड़े पूछो मत, देख सकते हो 611। अरे ये तो, ये सब तो मैं यूज़ करते रहते। VIP पॉइंट्स, एनर्जी कुछ नहीं दिया ढंग का, बेकार। तो कोई नहीं, जो भी था फ्री में जो मिल गया वही बढ़िया, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टेज टू कंप्लीट करने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देना, उसकी भी मैं सेकेंड राउंड बना बता दूंगा। हो गया, इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।